हम अक्सर छोटे बच्चों के हाथ या गले में ताबीज बंधा देखते हैं तो मन में यही सवाल आता है कि यह ताबीज बच्चे को क्यों पहनाया गया है। लोग बच्चे को अक्सर ताबीज बांधकर रखते हैं जिसके पीछे की मान्यता होती है कि उसको जीवन जीने में कोई समस्या ना हो। यदि बच्चे को कोई समस्या होती है तो वह केवल रोकर ही अपनी परेशानी जाहिर करता है। शास्त्रों के अनुसार बुरी शक्तियां ऊपरी हवाएं छोटे बच्चों को बहुत जल्दी प्रभावित करती हैं, जिससे उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत सी समस्याओं से गुजरना पड़ता है। इन सभी परेशानियों से बच्चों को बचाने के लिए माता पिता और परिवार के सदस्य छोटे बच्चों को हाथ या गले में ताबीज बांधकर रखते हैं। पंडित श्रीधर शास्त्री ने लोकल 18 को बताया कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर सभी के मन में यही ध्यान रहता है कि उनका बच्चा सुरक्षित रहे। बच्चों की सुरक्षा को लेकर लोग तरह तरह के उपाय करते हैं, जिसमें सबसे कारगर बच्चों को सुरक्षा ताबीज पहनाना होता है। सुरक्षा ताबीज को लेकर और क्या कहते हैं हरिद्वार के विद्वान ज्योतिषी पंडित श्रीधर शास्त्री, सुनिए। जैसा कि सभी ये मानते हैं, सभी की इच्छा रहती है कि हमारे बच्चे हमेशा स्वस्थ बने रहें और उनके मन में अनेक उपाय आते रहते हैं, तो इसी संदर्भ में हम ये कहना चाहते हैं जो बच्चे के लिए यदि हम सुरक्षा ताबीज का प्रयोग करें तो उसके ऊपर किसी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं पड़ता और उसकी संपूर्ण सुरक्षा बनी रहती है और बच्चे के ऊपर कोई भी बीमारी और किसी प्रकार की ऊपरी हवा का प्रभाव नहीं रहता और वह बच्चा स्वस्थ बना रहता है और उसके मन में प्रसन्नता रहती है और किसी प्रकार की उसको कोई भी कष्ट नहीं आता। बच्चे को हमें बुरे प्रभाव से बचाने के लिए सुरक्षा कवच पहनाना चाहिए, तो उस सुरक्षा कवच को हम कमर में अथवा हाथ में उसको धारण कर सकते हैं, बच्चे को पहना सकते हैं और गले में भी पहना सकते हैं। उससे बच्चे के ऊपर जो गलत प्रभाव है ऊपरी हवा का बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है और बच्चा सभी प्रकार के कष्टों से दूर रहता है और उसके ऊपर कोई भी विपत्ति नहीं आती, कोई बीमारी का प्रभाव नहीं पड़ता, बच्चा स्वस्थ बना रहता है। इसीलिए बच्चों की सुरक्षा के लिए सभी को इन सुरक्षा कवच से युक्त करना चाहिए सभी महिलाओं को, जिससे कि सभी बच्चे सुरक्षित रहें, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे और उनको किसी प्रकार का कोई भी कष्ट न हो।